हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोटा में पिछले एक महीने से लॉकडाउन के चलते फंसे विद्यार्थी शनिवार सुबह जालौर पहुंचे। उस दौरान उनके चेहरे पर घर वापसी के चलते सुकून साफ नजर आ रहा था। वहीं जब वे आपस में बात कर रहे थे तो उनके शब्दों में खुशी झलक रही थी। हालांकि उन्हें चिकित्सा जांच के बाद क्वारंटाइन किया गया। गौरतलब है कि कोटा में फंसे विद्यार्थियों का मुद्दा पिछले कुछ दिनों से पूरे देश में शोर मचा रहा है। सबसे पहले जहां उत्तर प्रदेश सरकार वहां के निवासी विद्यार्थियों को बसों के माध्यम से लेकर गई, तो बाद में हर राज्य की सरकारों ने प्रयास शुरू कर दिया। इसके बाद राजस्थान के अन्य जिलों में भी आवाज उठने लगी। विधायकों, जनप्रतिनिधियों व परिजनों ने अपने बच्चे को वापस घर लाने के लिए सरकार से गुहार लगाई। राज्य सरकार ने कोटा में रहने वाले सभी बच्चों को उनके गृह जिलों तक भेजने के लिए प्रबंध किए और इन्हीं प्रबंधों के नतीजे के तहत शनिवार सुबह सुबह काफी संख्या में बच्चे बसों के माध्यम से जालौर पहुंचे। वहां प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दूर दूर और अलग अलग बिठाया। बाद में उनकी चिकित्सा जांच की गई। कोटा से शनिवार को जालौर आए सभी छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों की स्वास्थ्य जाँच करवाकर संबंधित 9 तहसीलदारों के साथ रोडवेज बसों द्वारा रवाना कर दिया गया है, ताकि उन्हें नियम अनुसार क्वारंटाइन किया जा सके। जालौर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।